वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ राह में। आज हम लोग चैप्टर 4 ज्योग्राफी क्लास 6 की चैप्टर 4 मैप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैप का डेफिनेशन दिया हुआ है। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धरती गोल है, मगर उनके कुछ पार्ट को अगर हमें दिखाना पड़ता है तो इसके लिए हम मैप का उपयोग करते हैं। और मैप की मदद से हम लोग उस जगह को अच्छे ढंग से देख सकते हैं। उसी का रिप्रेजेंटेशन है उस अर्थ सरफेस के पार्ट का। इसे हम फ्लैट सरफेस पे दिखाते हैं। इसके आगे है फिजिकल मैप्स। मैप्स तीन तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, मगर यहाँ मेनली तीन प्रकार के दिखाए गए हैं। पहला फिजिकल मैप। अगर हमें मैप में माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, रिवर, ओशन, ये सब नेचुरल फीचर दिखाते हैं, जो कि उनका फिजिकल फीचर या फिर रिलीफ फीचर दिखाते हैं, तो उन्हें हम फिजिकल और रिलीफ मैप कहते हैं। वहीं अगर हम लोग पॉलिटिकल मैप्स देखते हैं, जैसे कि किसी स्टेट का मैप या फिर पूरे देश का मैप, पॉलिटिकली यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट, तो ये सब पॉलिटिकल मैप कहलाता है, जिसमें हम शहर और गांव ये सब दर्शा सकते हैं, या स्टेट या देश। पूरी दुनिया का अगर वर्ल्ड मैप हो तो फिर पॉलिटिकल मैप में सारी कंट्रीज भी दिखती है। और तीसरे तरह की मैप है थीमेटिक मैप्स, जिनमें हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, ये सब एक थीम पर फोकस करती है, इसीलिए इनका नाम थीमेटिक मैप्स होते हैं। मैप के मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस का बात करते हैं। तो चूंकि मैप एक छोटा जगह होता है और रियल सरफेस काफी बड़ा होता है, तो इसके लिए हम लोग स्केल का उपयोग करते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 100 किलोमीटर लिख दिया जाए, तो फिर हम छोटे जगह पर काफी बड़े जगह को दिखा सकते हैं, इसलिए हम लोग स्केल का उपयोग करते हैं। तो स्केल क्या है? स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर 1 सेंटीमीटर को हम लोग 100 किलोमीटर मान ले, तो फिर हम 100 किलोमीटर का डायरेक्शन सिर्फ 1 सेंटीमीटर के जगह पे दिखा सकते हैं। तो इससे हम बड़े डिस्टेंस को भी छोटे जगह पर दर्शा सकते हैं। तो यह पहला कंपोनेंट था मैप का। और इस हिसाब से हम मैप को दो भाग में बांट सकते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अगर हम बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को या देश को एक जगह छोटे जगह पर दिखा रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड मैप को, तो फिर ये एक स्मॉल स्केल मैप होगा, क्योंकि हम काफी स्मॉल स्केल पर काफी बड़े जगह को दर्शा रहे हैं। मगर अगर हम उनसे थोड़े स्मॉलर एरिया को, देश और कॉन्टिनेंट से थोड़े छोटे जगह, जैसे कि टाउन या विलेज का बात करें, तो उसे हम लार्ज स्केल मैप कहेंगे। अगर दूसरे बात पर आए, डायरेक्शन, जिसे हम लोग दिशा कहते हैं, तो मेनली चार दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, मीन्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इन चारों को हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं फिगर 4.2A में कि 8 कार्डिनल डायरेक्शंस दिए हैं। एक्चुअली नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। जैसे अगर हम अपने देश में देखें, तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, साउथ में तमिलनाडु, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वेस्ट में गुजरात। अगर इसी प्रकार हम देखें तो इससे हमने डायरेक्शन का अंदाजा हो जाएगा। और उसी प्रकार हम लोग, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल, तो ये सब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आते हैं, इसीलिए इन्हें नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग, जैसे पाकिस्तान हम लोग के नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्शन का समझ। अगर आगे हम लोग बात करें, तो यहाँ पे एक डिवाइस जिसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा, कंपास, जो कि आजकल स्मार्टफोन में भी अवेलेबल होता है। यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक मैग्नेटिक निजल होती है, जो कि हमेशा नॉर्थ साइड, साउथ डायरेक्शन पे फोकस करती है। चूंकि हमारे अर्थ में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक पोल है, इसलिए हमारा जो मैग्नेटिक निजल है वो हमेशा ही नॉर्थ को फोकस करता है।
इसी कॉन्सेप्ट पे कंपस काम करता है। अब अगला है सिंबल, तीसरा कंपोनेंट मैप का। तो सिंबल तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, काफी तरह के सिंबल से हम लोग काफी चीज दर्शा सकते हैं, जिसे हम लोग कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। और कन्वेंशनल सिंबल के बारे में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी साइन हुआ हुआ है, जिस प्रकार हम लोग उस सिंबल से उसी चीज को दर्शाएंगे। इस बारे में एक पूरे दुनिया में एग्रीमेंट बन चुका है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्री, ग्रास को, या सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, पोस्ट ऑफिस, रेलवे लाइन, रोड, बाउंड्री, रिवर वेल इत्यादि को दर्शाया गया है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ जो कन्वेंशनल सिंबल है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है ब्लू कलर, हम लोग दिखाते हैं पानी के लिए, वाटर बॉडीज के लिए। ब्राउन कलर माउंटेन के लिए, येलो कलर प्लेटू के लिए, और ग्रीन कलर प्लेन के लिए। ये आप याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आगे हम बात करें तो स्केच की, तो स्केच एक ऐसा ड्राइंग होता है जो कि बस मेमोरी पे बेस्ड होता है और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे, और वो स्केल का नहीं होता है, वो एक रफ डायग्राम होता है या फिर रफ स्केच। इसलिए इसका नाम स्केच मैप है, क्योंकि ये एक रफ ड्राइंग है और विदाउट स्केल है, ये अंदाज पर बनाया जाता है। जबकि प्लान जो होता है वो एक स्मॉल एरिया का ड्राइंग है एक लार्ज स्केल पे। अगर हम लोग इसे लार्ज स्केल मैप से कंपेयर करें, लार्ज स्केल मैप पे हम लोग किसी रूम का लेंथ या ब्रेथ नहीं दर्शा सकते, मगर प्लान में हम वो भी दर्शा सकते हैं। और उसके बाद तो एक्सरसाइजेज हैं, तो आई होप आप एक्सरसाइजेज कर ही लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, एंड कमेंट इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल। बाय।